दोस्तों 1 अप्रैल अप्रैल फूल के रूप में न केवल हमारे इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाने वाला इम्पोर्टेंट त्यौहार है। इस दिन हर कोई एक दूसरे के साथ मजाक करता है, यह बस मजाक के लिए ही होता है। इस दिन लोग आपस में एक दूसरे को हंसी मजाक में मूर्ख बनाते हैं, लेकिन बाकी दिनों की तरह इस दिन मूर्ख बना व्यक्ति नाराज या गुस्सा नहीं होता, जो कि इस दिन की सबसे बड़ी खासियत है। इस दिन वैसे आधिकारिक छुट्टी तो नहीं होती, लेकिन लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदार या फिर ऑफिस में ये दिन अच्छे से मस्त होकर सेलिब्रेट करते हैं। पारंपरिक तौर पर कुछ देशों जैसे न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में इस तरह की मजाक केवल दोपहर तक ही किए जाते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस दिन की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस दिन का महत्व क्या है और इससे क्या क्या किस्से जुड़े हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किए आपका टाइम वेस्ट, बिकॉज आप देख रहे हो लाइव स्टोरी फैक्ट्स। दोस्तों 1 अप्रैल और मूर्खता के बीच सबसे पहले संबंध दर्ज कराने का श्रेय चौसर के कैंटरबरी टेल्स नामक पुस्तक को दिया जाता है, जो 1392 में लिखी गई थी। कई लेखक यह बताते हैं कि 16वीं शताब्दी में 1 जनवरी को न्यू ईयर के रूप में मनाए जाने का चलन एक छुट्टी का दिन निकालने के लिए शुरू किया गया था। इस किताब की एक कहानी नंस प्रिट्स टेल्स के मुताबिक इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द्वितीय और बोहेमिया की रानी एनी की सगाई की तारीख 32 मार्च घोषित कर दी गई, जिसे वहां की जनता ने सच मान लिया और मूर्ख बन बैठे। तब से 32 मार्च यानी 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और कहानी के मुताबिक प्राचीन यूरोप में नया साल हर वर्ष 1 अप्रैल को ही मनाया जाता था। 1582 में पोप ग्रेगोरी 13 ने नया कैलेंडर अपनाने के लिए निर्देश दिए, जिसमें नए साल को 1 अप्रैल की जगह 1 जनवरी को मनाने के लिए कहा गया। रोम के ज्यादातर लोगों ने तो इस नए कैलेंडर को अपना लिया, लेकिन बहुत से लोग अब भी थे जो 1 अप्रैल को ही अपने नए साल के रूप में मनाना चाहते थे। तब ऐसे लोगों को मूर्ख समझकर उनका मजाक उड़ाया गया। 1 अप्रैल के बारे में एक और मजेदार कहानी देखने को मिलती है। 1915 की बात है, जब जर्मनी के लिले हवाई अड्डे पर एक ब्रिटिश पायलट ने विशाल बम फेंका। इसको देखकर लोग इधर उधर भागने लगे और देर तक छुपे रहे, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी जब कोई धमाका नहीं हुआ तो लोगों ने वापस लौटकर इसे देखा, जहां एक बड़ी फुटबॉल रखी थी जिस पर लिखा था अप्रैल फूल। वैसे हमारा इंडियन कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास नया साल का पहला महीना होता है, जो अप्रैल महीने में ही होता है। हो सकता है कि अप्रैल फूल का यह सिलसिला इंडियन कैलेंडर के मुताबिक शुरू हुआ हो। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास।